डाउट नहीं, उसमें. उसमें नहीं अब क्या है देखिए एक उनकी इमेज क्या इमेज है करप्टेबल सबसे बड़ी इमेज बिल्कुल दूसरी इमेज है अपने लिए कुछ नहीं चाहिए अपने भाई का भतीजे का जीजे का किसी का भला नहीं किया है कोई किसी को पार्टी में नहीं रखा तीसरी बात कोई जानता भी नहीं किसी ने, ने सो, कट यू लेकिन किसी ने पिक्चर शेयर की थी पाकिस्तान में मैं किसी हमारे किसी ग्रुप में मीडिया के और उसमें लिखा हुआ था नरेंद्र मोदी जी के फैमिली के लोग थे कहते इन लोगों को आप जानते हैं गालिबन भाई थे उनके और बाकी बड़े करीबी फैमिली मेंबर्स थे कहते किसी ने नहीं देखा इनको कभी कि यार इनके भाई है यार रिश्तेदार है करीबी तो इनको कोई फायदा हो जाए मैं हैरान हो गया मैं घर का मारा मैं आपको और बताता हूँ देखिये लास्ट टाइम का इलेक्शन था इनकी मदर है करीब नब्बे साल की वो इनके भाई के साथ रहती है एक भाई पैट्रोल पैट्रोल भरने का काम करता है पेट्रोल भरने का करता है। मैं आपको बता रहा हूँ जब गुजरात में पचपन छप्पन लाख रुपए थे तो वो जो अपना स्टाफ होता ना लोअर वाला थोड़ा लोअर क्लास वाला स्टाफ में पैसे बांट दिए बोला अपनी बेटियों की शादी में लगाना जब दिल्ली आए तो कुछ भी नहीं था पैसा नहीं खाने अपना जो सरकारी तनख्वाह मिलती थी आज भी फकर भाई इनका इतना बड़ा आपने देखो रेस्कोस रोड में इतना बड़ा मकान है ये है वो आप तो लोक मार्ग कहते हैं रहते हैं ये प्रचारक के स्टाइल में एक में एक कमरे जब वहां शिफ्ट किया था पहले तो उन्नीस ट्रक सुनिएगा ट्रक सामान वहां से निकलवाया कह रहे यार मेरे को इसका क्या जरूरत है सामान सामान मेरे किसी का ट्रक सामान निकाले से एक कमरे में रहते हैं अपना जो नौकर है इनका जो खाना वाना मंगाता है उसकी तनख्वा खुद देते हैं गैस खुद मंगाते हैं दाल चीनी चावल खुद मंगाते हैं सरकार सिर्फ बिजली पानी और मकान देती बाकी कपड़े अपने अपने पैसे से खरीदते हैं जूते अपने पैसे से खरीदते अब बताइए ऐसे आदमी की पकड़नी होगी तो किसकी होगी

अगर आप मुसलमान तो है मुस्लिम है ये हिंदू नेशनलिस्ट है अरे नेशनलिस्ट नेशनलिस्ट होता है यार हिंदू मुसलमान नहीं होता मुसलमान नहीं होता है तो उन्होंने कहा कि मुझे जब चीजें मिलती तो मैं यार करना क्या इसका ये बोला उन्होंने ना मुझे किसी शो में बैठे तो मैंने कहा यार मैंने करना क्या इन चीजों का बहुत चीजें हैं है हैं बाकी तो उन्होंने नाम लिया और बड़ा अच्छा लगा कहते कहा कि यार कोई जो है ना प्रॉपर तरीका कार और कहते मैंने एक्शन शुरू करवा दिया उसको मैंने कहा यार ये बच्चियों की तालीम पे फीमेल्स की एजुकेशन पे गर्ल्स एजुकेशन पे आप लें सर मजा आता है खुशी होती है बिलीव मी मतलब मैं कहता हूँ नरेंद्र मोदी जी से सविफात हो सकते हैं लेकिन ये जो करप्शन वाली बात आपने की और uh, मैं कहता हूँ नेशनलिज्म वाली इसके ऊपर उनको सलाम है। बाकी जो मर्जी कहते हैं गलतियां है, इंसानों से होती है उनसे भी होंगी हुई हुई करते भी होंगे हमारी तरह इंसान है ना हम ये तो नहीं कहते कि वो गलतियां नहीं कर सकते या उन्होंने नहीं की लेकिन जो चीजें वो कर रहे हैं वो बहुत सारे लोगों के लिए मैं अपने अपने को बार बार कहता हूँ सॉरी सो, आप बात फिर कर लीजिएगा लेकिन क्योंकि मैं नवाज शरीफ साहब लंदन में है दो सालों से और अभी कह रहे हैं कि जी पता नहीं पंद्रह दिन के बीच दिन यूरोप के टूर पर चले गए कहते हैं उन्होंने कहा मैंने छुट्टियां नहीं मनाई अब मुझे नहीं पता कि वो क्या चक्की पीसते थे लंदन में कि वो छुट्टियों पे नहीं गए तो दुख होता है इस चीज का कि सर आपके साथ वाली दीवार के साथ वाला मुल्क है और आपसे बहुत अमीर है हर चीज है उसके पास उनको ना छुट्टियां चाहिए ना उनको लंदन का हॉस्पिटल चाहिए ना उनको अमरीका का डॉक्टर चाहिए न कुछ उनको जिसे कहते हैं पांच पांच डॉलर के जूते चाहिए लेकिन आपको चाहिए यहाँ पे सलाब आया हुआ है बिजली नहीं है सिक्योरिटी के इशूज है तो सर दुख होता है इस चीजों का कमेरिजन मैं नहीं कर रहा लेकिन बहुत सारे दोस्त जी आप कंपेयर ना करके मैं कंपेरिजन नहीं करता लेकिन वहां पर भी हमारे जैसे इंसान रहते हैं यहाँ पे भी उन जैसे इंसान रहते हैं लेकिन क्या सब चीज आप बात कर